विस्टाडोम कोचेस जो कि अभी तक आपने ब्रॉड गेज ट्रेन्स में तो देखे होंगे, बट बहुत ही रिसेंटली डॉक्टर अम्बेडकर नगर से कालाकुंड के बीच चलने वाली मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन में न्यूली मेडेड विस्टाडोम कोचेस लगाए गए हैं। और आज इसी हेरिटेज ट्रेन में अपन लोग पूरी जर्नी करने वाले हैं, वो भी विस्टाडोम कोचेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स H5। ट्रेन नंबर 52965 डॉक्टर अम्बेडकर नगर कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन, जो कि एक मीटर गेज ट्रेन है। और आज इस ट्रेन में अपन लोग पूरा सफ़र करने वाले हैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर से कालाकुंड तक, और बीच में पड़ेगा पाताल पानी, तो आपको वाटरफॉल भी दिखाया जाएगा इसी जर्नी के दौरान और बहुत सारी नई चीज़ें। अपनी ट्रेन आ चुकी है अभी प्लेटफॉर्म पे, और एक्साइटमेंट कैसा है आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट तो भाई साहब बिल्कुल अलग ही लेवल पे जा चुका है। और अपन चल रहे हैं अपने कोच के पास जो कि विस्टाडोम कोच है, पीछे की साइड लगे हुए हैं दोनों विस्टाडोम कोच। चलते हैं, इंटीरियर वगैरह सब दिखाया जाएगा, एक एक चीज़ बताई जाएगी कि आप टिकट प्राइस है, कैसे बुक करना है, कैसे आना है, सब चीज़ें, बस जर्नी पूरी देखनी है आपको। ये आ चुके हैं अपन लोग विस्टाडोम कोच के अंदर, और यहाँ पर सबसे फेवरेट और सबकी फेवरेट जगह है ये, क्योंकि यहाँ से अपन को पूरा पीछे का नज़ारा दिखने वाला है। ठीक है, ये एसी लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरह के एसी लगे हैं क्योंकि भाई साहब ये कोच जो है ना 2002 में मैन्युफैक्चर हुआ था, और इसको जो है पूरा रीडिज़ाइन किया है इसका पूरा। और इंटीरियर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार लगेगा, इतने बड़े बड़े ग्लासेस हैं भाई साहब विस्टाडोम कोच के। और इस प्रकार से है कुछ इंटीरियर, और आज जो अपनी सीट है ना वो है यहाँ पर 19 और 20 हमारी और मोनू भाई की। ठीक है, और एक एसी यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर आएंगे तो एक और एसी, मतलब एक पूरे कोच में 4 एसी लगे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना कोच है और इसको पूरा रीडिजाइन किया गया है। तो ये वाले एसी लगे हुए हैं इस ट्रेन में, जो कि आपको स्प्लिट एसी अपने घर वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। और अब मेन बात यह है ना, इसमें पावर वगैरह कहाँ से आएगा सब बताएंगे इस जर्नी में, रुको। और अच्छी बात यह है, यात्रियों के चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट्स की कोई भी कमी नहीं है यहाँ देखोगे आप, और आगे भी चार्जिंग सॉकेट्स खूब दिए गए हैं। और इंटीरियर तो यार अल्टीमेट है, शानदार है। आपको कैसा लगा इंटीरियर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज इस स्पेशल ट्रेन में अपने साथ बहुत समय बाद मोनू भाई सफर करने वाले हैं, और पूरी यात्रा साथ में होगी, पाताल पानी में साथ में ही होंगे, पाताल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बार हम किसी हेरिटेज ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, और विस्टाडोम भी पहला ही है, और पहला मतलब मीटर गेज ट्रेन में पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें विस्टाडोम कोच लगाया गया है, और हम लोग भी पहली बार ही विस्टाडोम में ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और मीटर गेज भी पहली है, तो मतलब डबल मजा, डबल मजा। तो आप लोग कहते हो भाई साहब लोकोमोटिव नहीं दिखाया, तो ये देखो इतना शानदार लोकोमोटिव आपको दिखाया जा रहा है, जो कि है YDM4। तो इस रूट की पूरी सुंदरता जो है इस लोकोमोटिव पे दर्शाई गई है, यहाँ देख रहे हो ना, इतनी शानदार लिवरी का लोकोमोटिव है। तो यहाँ पर जो है फोटो सेशन वगैरह होता ही रहता है बढ़िया, आप लोको पे चढ़ सकते हैं और बढ़िया बढ़िया फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। देखो चल रहा है ना यहाँ पर, तो बिल्कुल समय से जो है अपना डिपार्चर हो गया है डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। यात्रा के लिए
डिपार्चर हो चुका है डॉक्टर अम्बेडकर नगर से, तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो है शुरू हो चुकी है यहाँ से। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें भाई साहब, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। पूरा ना एक टूर पैकेज है ये। तो ये नज़ारा आपको सिर्फ विस्टाडोम कोच से दिखेगा आखिरी का, तभी तो भाई बड़े बड़े ग्लासेस इसमें लगाए गए हैं ताकि आपकी जर्नी जो है और भी खूबसूरत हो पाए। ये जो डायमंड क्रॉसिंग था ना, ये ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रैक का था, मतलब बहुत ही रेयर डायमंड क्रॉसिंग यहाँ देखने को मिलेगा सिर्फ आपको। ये नज़ारा देखो भाई साहब, बगल में वेब 7 ब्रॉड गेज का, तो बगल में जो आप ट्रेन देख रहे हैं ना रेड LHB ट्रेन, ये है मालवा एक्सप्रेस जो कि इंतज़ार कर रही थी अपने सिग्नल मिलने का। ट्रेन की अगर डिस्टेंस की बात करें तो करीब 15 किलोमीटर का ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है। और बात करें अगर फेयर की, तो आपके पास पहले तो यहाँ पर दो ऑप्शन है ट्रेवल करने के, एक तो विस्टाडोम कोच जो AC चेयर कार के नाम से शो होगा ऑनलाइन, जिसमें अभी अपन लोग बैठे हुए हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, और दूसरा कोच है सेकेंड सिटिंग। और AC चेयर कार का आपको करीब 265 रुपये पे करना होगा पूरी जर्नी के लिए, जो कि 15 किलोमीटर की है, और सेकेंड सिटिंग में मात्र 20 रुपये में आप ये पूरा सफ़र कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं मानसून का, हेरिटेज ट्रेन का, मीटर गेज ट्रेन का और पाताल पानी वाटरफॉल का। समझ रहे हो 20 रुपए में क्या पैकेज मिल रहा है आपको, एकदम बेहतरीन। और एक और चीज, ये अम्बेडकर नगर से निकलेगी तो आपको इंदौर से अम्बेडकर नगर स्टेशन आना होगा जो कि करीब 25 किलोमीटर के अराउंड है, और आपको कोई ना कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। और एक ट्रेन आपको मिल जाएगी जो सुबह इसकी टाइमिंग से मैच करती है, जो कि है प्रयागराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, जो कि आपको यहाँ पर 9:15 के लगभग पहुंचा देगी। 11 बजे आके यहां से ट्रेन पकड़ो। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग इस ट्रेन के और अपने पहले स्टॉप पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन का जो है लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जब उनको पाताल पानी वाटरफॉल जाना होता है, और यहाँ से अगर आप पैदल पैदल भी जाएंगे ना तो 10 मिनट में आराम से पाताल पानी वाटरफॉल पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन अपन अभी नहीं जा रहे क्योंकि अपनी ट्रेन मेन पाताल पानी वाटरफॉल के पास ही रुकेगी, तो पूरा नज़ारा वहाँ से दिखाएंगे। करीब जो है 1 घंटे वहाँ पर रुकती है ट्रेन, तो पूरा पाताल पानी वाटरफॉल का नज़ारा आपको बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा, और छोटा सा और बेहतरीन सा ये रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हमारे साथ एक पैसेंजर है, तो अंकल जी आपका नाम? मैं अशोक पाटनी। तो कैसा लग रहा है इस मतलब हेरिटेज ट्रेन में ट्रेवल करके? यहाँ पे खड़े हो आप, बहुत शानदार लग रहा है ना, अंदर से भी शानदार है, बाकी व्यू तो अब आएगा, व्यू अब आएगा और अभी वाटरफॉल वगैरह भी आएगा, तो एक्साइटमेंट लेवल कितना ज्यादा हो जाता है जब आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड आप फील करेंगे जब भी आप इस ट्रेन में इस रूट पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन पे जो है 15 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, और क्यों है ये खुला रेलवे स्टेशन, यहाँ पर गार्डन वगैरह बना रखा है, जो डॉगी आ गया है यहाँ पे है ना, गार्डन वगैरह बना रखा है, यहाँ लोग उतरते हैं फोटोज वोटोज खींचते हैं, और भीड़ देख रहे हो ना पूरी, रेलवे स्टेशन सब बाहर आ गए, तो सब लोग भागे हाली जैसी सिग्नल हुआ, हॉर्न बजाया जैसी लोको पायलट ने। और ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना, यही वाली, ये हुडर बजा दिया जाएगा जब सिग्नल का टाइम हो जाएगा, तो फटाफट क्या करना है, क्यों मनु भाई क्या करना है, फटाफट ट्रेन अपने कोच में जाना, फटाफट अपने कोच में दौड़ लगानी है जल्दी से, कूंदी मार देनी है। कुछ भी खा पी रहे हो या कुछ भी आपको जो है फेंकना है तो यहाँ पर डस्टबिन है, तो इसमें आप कूड़ा वगैरह इसी में फेंकें, ट्रेन गंदी ना करें जरा भी। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं इस विस्टाडोम कोच की वॉशरूम को। तो भाई साहब ये है वॉशरूम, साफ सफाई तो बहुत ही बेहतरीन है, वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम मिलेगा, और मिरर में भी देखोगे तो एकदम मस्त साफ सफाई है, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। और ऊपर से चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी, मतलब चार्जिंग सॉकेट क्या, चार्जिंग सॉकेट तो है ही, आप इसमें ट्रिमर वगैरह जो इच्छा हो वो लगाओ, आपकी इच्छा है।
तो जैसे कि और भी विस्टाडोम कोचेस में क्या है कि आपको लगेज के लिए अलग से एरिया दिया है, तो इस कोच में भी दिया है मीटर गेज के में। देखो यहाँ पर ये मेन डोर है, यहाँ से आके छोटी सी जगह है लगेज के लिए। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग पाताल पानी वाटरफॉल, जहाँ से अपन जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक घंटे का स्टॉप है, तो यहाँ उतरिए, आराम से जाइए, वाटरफॉल देखिए, घूमिए, और यहाँ से जो है आपको रास्ता मिलेगा सीधे, आप पाताल पानी के लिए जा सकते हैं वाटरफॉल देखने। और साथ ही आप इसके पीछे देख रहे हैं छोटे मोटे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर नाश्ता वगैरह आप कर सकते हो, चाय वाटर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और साथ ही गरम गरम भुट्टे भी मिल जाएंगे। कितने का है? 10 रुपए। 10 रुपए का भुट्टा मिलेगा, बढ़िया। यहाँ पर अभी आपको ऊँट भी मिल जाएगा। भाई ऊँट का क्या हिसाब किताब है, मतलब कौन तुम ही? अच्छा तो क्या घुमाते हो, कहाँ ले जाते हो? कहाँ का चक्कर? नहीं तो कहाँ का चक्कर लगाओगे, वाटरफॉल तक ले जाओगे क्या? अच्छा मतलब यहीं पर घुमाओगे हैं। तो यहाँ पर ये भाई मिल जाएगा, अपना क्या नाम? समीर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 50 रुपए में बढ़िया ऊँट का यहाँ पर एक चक्कर लगवाएंगे। बच्चों वगैरह साथ आ रहे हो ना तो ट्राई जरूर करना। अच्छे से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा चलना है। मान लो कि भुट्टा खाते हुए आ रहे हो तो भुट्टा खत्म नहीं होगा। और वाटरफॉल पे आ चुके हो, अब उधर से दिखाते, इधर से सही नजारा नहीं है, आगे से दिखाते। फाइनली अभी अपन आ चुके हैं ये पाताल पानी वाटरफॉल पे, और ये रहा पाताल पानी वाटरफॉल। नाम इसका कुछ ऐसे पड़ा क्योंकि पूरा पानी जो है पाताल में ही जाता है ना, यहाँ से कहाँ जाता किसी को नहीं पता, इसलिए इसका नाम पाताल पानी वाटरफॉल रख दिया गया है। और ये है पूरा ये पिकनिक स्पॉट आप समझ सकते हो, यहाँ सभी लोग आते हैं, बढ़िया फोटो वोटो खिंचाते हैं, और लोकेशन तो देख ही रहो कितनी शानदार। क्यों भाई घोड़े पे घुमाने का क्या चार्ज है? 50 रुपीज। घोड़े का भी 50 और उसका ऊँट का भी 50। अच्छा कितने राउंड घुमाते हो? ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पर, है ना, तो आप ठंडा ठंडा कुछ पी लिया जाए। तो देखो ताजा ताजा गन्ने का जूस निकल रहा है, तो गन्ने का रस पीते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कितने रुपए गिलास है, बताते क्यों मनु गिलास है। बढ़िया मौसम है और ठंडक का और ज्यादा मजा लेने के लिए बिल्कुल स्टेशन से निकलोगे ही ना, ये जो पाताल पानी का स्टॉप है बस उतरते ही जरा से पे आपको ये मिल जाएगा। तो मोनू भाई तो आज खूब फोड़ी हो गए हैं, बिल्कुल से एकदम फोड़ी हो गए यार, तो अब भुट्टा लेने आ गए हैं। क्या हिसाब किताब है भुट्टे का मोनू भाई? ये 10 का 1 है। अच्छा अमेरिकन और देसी की क्या कहानी चल रही थी? ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन भुट्टा जो है ना वो मीठा होता है, और अच्छा। देसी वाला जो हल्का सा फीका होता है, तो हम बोले कि भाई देसी लेंगे, हम देसी लोग हैं तो अमेरिकन खा के क्या फायदा। तो क्या अमेरिका से आ रहा है क्या ये? नहीं अमेरिका से आ रहा है क्या ये बताइए आप, तो ऐसी कैसी कराई बात है? मऊ में भी होता, बाकी दाना उधर का ही है। नहीं आप घर का ही बोल, दाना कहाँ का? अमेरिका का। वहाँ उगता है क्या? नहीं उगता नहीं है। तो फिर अमेरिका का कैसे हो गया? दाना आ जाता है वहाँ से। अच्छा फिर भुट्टे में लगा देते हो? अरे क्या मजाक हो रहा। भाई भुट्टा ले लिया है बिल्कुल गर्मा गर्म, तो कैसा है, कैसन बा? बढ़िया बा, बढ़िया बा, नीके बा, बढ़िया। तो ये अपनी ट्रेन खड़ी है अभी पाताल पानी वाटरफॉल के पास, उस साइड जो है वाटरफॉल है, और इस साइड लेफ्ट साइड आपको जो है कांत्या बेल जी का मंदिर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर पहले दर्शन करिए और उसके बाद पाताल पानी के वाटरफॉल का मजा लीजिए। चुक चुक चुक।
घंटे के लिए गाड़ी रुकेगी। तो ये आ चुका है अभी अपना तीसरा स्टॉप इस ट्रेन का, और ये जो जगह है ना ये जानी जाती है वैली पॉइंट के नाम से, और आगे एक ब्रिज भी है और नजारा इधर से बहुत अल्टीमेट है यार। चलो आगे की साइड चल रहे हैं, दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई साहब पहाड़ों का नजारा, तो ये नजारा है वैली पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा, कितना शानदार नजारा है। तो जिस ब्रिज पे अभी अपन खड़े हैं ये नया बना था ब्रिज, उससे पहले ये देख लो नीचे ये एक और ब्रिज था, बट बाढ़ वगैरह आने की वजह से ये ब्रिज टूट गया था, उसके बाद यहाँ दूसरा ब्रिज बनाया गया। और सामने देखो नदी वगैरह बह रही है, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर लोग खेती वेती करते हैं। देखो ये चल रही है ना, खेत में दिखाते हैं, ये देखो खेती चल रही है ना। यहाँ पर रहते हैं कुछ ही लोग रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग वाग नहीं रहते हैं, घर बने हैं कुछ एक। और आगे देखो टनल दिख रही है ना, तो बस अभी हमारी ट्रेन ऐसे यहाँ से कर्व हो के जाएगी टनल में है, और अब समय है यहाँ से डिपार्चर लेने का। ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन और इस ट्रेन की डेस्टिनेशन कालाकुंड रेलवे स्टेशन, बट ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है,
क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेन करीब एक डेढ़ घंटे रुकती है, उसके बाद वापस लोको रिवर्स होता है और वापस जाती है डॉक्टर अम्बेडकर नगर। और यहाँ से हम आपको रिवर्स की भी जर्नी दिखाएंगे, क्योंकि रिवर्स में ये ट्रेन जितनी रुक के आई है ना, रुकती नहीं है, डायरेक्ट फटाफट पहुँचती है मात्र 56 मिनट के अंदर। ठीक है, तो लौटते में अब हम लोग ट्रेवल करेंगे सेकेंड सिटिंग में, तो उसका इंटीरियर भी और उससे जर्नी भी आपको दिखाएंगे उस कोच में ट्रेवल करके। पूरा एक ये राउंड ट्रिप होने वाला है, ठीक है ना, तो अभी कहीं जाइएगा मत। और अभी कालाकुंड पे जो है हम लोग लंच वगैरह भी करेंगे, मोनू भाई भी हैं साथ में, तो लंच वगैरह करेंगे, तो वो सब भी दिखाएंगे कि आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था है खाने पीने की, ठीक है ना, सभी चीज़ें। कालाकुंड रेलवे स्टेशन पे ही यहाँ पर आपको एक स्टॉल मिल जाएगा। तो मोनू भाई क्या मिल रहा है? कालाकंद मिल रहा है। कालाकंद मिल रहा है, क्या हिसाब है? ये मतलब 100 का 250 ग्राम है, ये 100 का 250 ग्राम है। घर ले जाना है तो इसके लिए, अगर आप यहाँ खाना है तो ये प्लास्टिक केस में दे रहे हैं। तो गरम गरम लिए हैं और अभी खा के देखते हैं। हाँ, गरम है एकदम। चलो अब गर्मा गर्म जो है कालाकंद ले लिए मोनू भाई। हाँ, स्वाद कर लेते हैं कैसा है। गर्मा गर्म भाई साहब बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया नजारों का मजा लीजिए। गर्मा गर्म में 4 आदमी आराम से खा सकते हैं। हाँ, तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से जैसे आप थोड़ा सा आगे आओगे प्लेटफॉर्म के आगे, तो बस ये देखो ऐसा लगेगा ऋषिकेश में आ गए हो, बिल्कुल वैसी ही लोकेशन है। नीचे बढ़िया बैठने की व्यवस्था क्या मतलब चट्टाने हैं, पानी उतना ज़्यादा है नहीं है लेकिन बह रहा है, तो आप यहाँ बैठ के आराम से जो भी आप खाना पीना लाए हो चट्टान पर बैठ के पानी का मज़ा लेते हुए खाना पीना खाओ। और नहीं लाए हो तो यहाँ पर कैंटीन है, अभी हम लोग जा रहे हैं। क्यों मोनू भाई? बिल्कुल चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है कैंटीन में, और उसके बाद काम करते हैं, खाना ले आते हैं यहीं बैठ के खाएंगे। बढ़िया, हाँ, बेहतरीन रूट है और सबसे बढ़िया व्यवस्था हर जगह है। हाँ, खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई रूट्स ऐसे होते हैं कि भाई खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा, जंगल ही जंगल चला जा रहा। कई रूट्स ऐसे हैं छोटी लाइन वाले, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रेलवे ने यहाँ पर पूरा मेंटेन कर रखा है हर चीज, कलर वाइज भी देखोगे तो पेंट वेंट बिल्कुल अच्छे से करा रखा है, पूरे कलर्स वगैरह अच्छे दिख रहे हैं, मतलब हाँ लग रहा है कि एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट पे आए हैं। अभी तक लगभग हम 170 ट्रेन कवर कर चुके हैं और अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेन जर्नी मेरी ये होने वाली है। ट्रेन जर्नी तो कहना गलत होगा मोनू भाई। हाँ, इसको अपन एक टूर पैकेज कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन टूर पैकेज है। बेस्टमैन है और वो अपन से कह रहा है यूज मी, तो भाई सब यूज करेंगे बिल्कुल, ये लीजिए। तो अभी जो स्टेशन के जस्ट सामने ही आपको कैंटीन मिल जाएगी, ठीक है ना, तो कुछ ये है नजारा कैंटीन का, बढ़िया जो है पार्क बना रखा है, है ना, झूले वूले भी लगे हैं। हम लोग सोचे थे यहाँ से लेंगे खाना और वहाँ बैठ के खाएंगे नीचे नदी के सामने, लेकिन अब भाई उठाएंगे तो ले नहीं जा सकते, अब यहीं पे खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कैंटीन में क्या मंगवाया है? बाटी है, ये थाली आ चुकी है बाटी वाली, ठीक है ना, तो चलिए अब वहाँ बैठते हैं और उसके बाद प्राइस वगैरह जो भी होगा अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आओ, अपन ने दाल बाटी की थाली ले ली है, ठीक है ना, तो चलो यार टेस्ट करते हैं कैसा मिलेगा यहाँ पर दाल बाटी आप जब भी आ रहे हो, क्योंकि दाल बाटी और उसके बाद ये पहाड़, क्या और चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल बढ़िया है यार टेस्ट, एकदम बेहतरीन, बिल्कुल सॉफ्ट बाटी जैसी होनी चाहिए, और दाल भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो दाल बनती है ना बिना मिर्च मसाले के, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो उसका तो स्वाद आप जानते ही हो, नेचुरल चीज़ का स्वाद अलग ही होता है। तो चलो कितनी पड़ी मोनू भाई? 120। तो ये थाली अपन वो 120 की पड़ी, इसमें 3 बाटी चावल दाल, मीठे में रसगुल्ला और सलाद है। खाना अपन खा चुके हैं और काफी बढ़िया था खाना। आंटी खाना तो एकदम बढ़िया था। क्या नाम होगा आपका? फेमिना खान। और खाने में और क्या क्या होता है अपने पास? जितना भी खाने का आइटम है सब होता है अभी फिलहाल, लेकिन हाल फिलहाल में जो दो थाली थी वो है, और अगर कोई ऑर्डर देता है तो भी नहीं। थाली जैसे हमने एक दाल बाटी वाली ली थी, और उसके अलावा और मेन्यू में क्या? मटर पनीर की सब्जी, मटर पनीर की भी थाली अलग रखी। अच्छा, मटर पनीर की थाली का क्या प्राइस है? 100। और वाटर वगैरह कुछ नहीं अभी? कुछ नहीं, मिनरल वाटर वगैरह है अभी नहीं रखते हैं, लेकिन अभी अंकल अभी तो कुछ। और चाय वगैरह भी है? ये अभी भी ट्रेन खड़ी हुई है, हेरिटेज ट्रेन, और यहाँ पर पीछे की साइड एक और लोको लगा दिया गया, एक आगे लगा है एक पीछे भी लगा है। यहाँ पर बैंकर लोको ऐड किया जाता है, क्योंकि जब वहाँ से आते हैं ना तो काफी ढलान है और यहाँ से चढ़ाई है, तो इस हेरिटेज ट्रेन को यहाँ से जरूरत है एक बैंकर लोकोमोटिव की, अटैच कर दिया है और बस कुछ ही देर में अपनी रिवर्स जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है। फाइनली अब टाइम हो गया है यहाँ से डिपार्चर का, और जैसे हमने पहले ही बताया एक लोकोमोटिव पीछे बैंकर लोकोमोटिव लाया गया है ना, तो अब यहाँ से आपको
चकिंग मिलने वाली है, बहुत ही शानदार वाली, ठीक है ना। और ट्रेन देखो बस स्टार्ट हो चुकी है कालाकुंड से। तो जाते मैं अपनी ट्रेन जितनी जगह रुकी थी ना, लौटते मैं बस एक ही जगह रुकती है, वो भी है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, मात्र एक मिनट के लिए। देखो अभी बस निकल के आए हैं और हाल हॉकिंग हो गई है। तो निर्धारित समय से ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, जहाँ से सुबह चले थे वहीं पर ख़त्म करने सफ़र को, डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन। और ये पूरी राउंड ट्रिप आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, हो पूरा आपने देखा कि नहीं, यहाँ तक हमको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हाँ पूरी राउंड ट्रिप का पूरा आनंद लिया है, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करी गई है, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो भाई साहब किसका इंतजार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और ट्रेन लवर्स HY अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी फॉलो कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं और साथ ही हमारी और आपकी बातचीत भी हो सकती है, ठीक है ना। और लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करो जिनका प्लान बन रहा है, और आपका क्या प्लान बन रहा है यहाँ का वो भी कमेंट बताओ। मिलते हैं फिर एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।